जो गोगामारी मर्डर केस है, गोगामारी मर्डर केस में एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी की जानकारी। पुलिस ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। आखिरकार पुलिस को एक सफलता बड़ी मिल चुकी है। इस पूरे मामले में चंडीगढ़ से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और राजस्थान और दिल्ली पुलिस का जो पूरा ऑपरेशन था उसके तहत ये सफलता हासिल हुई है। शूटर नितिन फौजी, रोहित राठौर गिरफ्तार। शूटर्स के साथ ही उधम को भी गिरफ्तार किया गया है। नितिन और रोहित ने ही गोली मारी थी। तो गोगामारी मर्डर केस पर ये बड़ा इनपुट आया है। 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ से आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई। 2 तस्वीरें आपके सामने। 5 दिसंबर 2023 जयपुर में घर में घुसकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया और 9 दिसंबर यानी कल चंडीगढ़ से शूटर्स की गिरफ्तारी हुई। और जब सुखदेव गोगामारी के जयपुर में उनके घर के अंदर ये हत्यारे घुसे थे, 5 दिसंबर की वो तारीख थी, वो तस्वीर आपके सामने। और 9 दिसंबर यानी शनिवार की रात जब चंडीगढ़ से 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया, आखिरकार पुलिस के महकमे को यहां पर सफलता हासिल हुई है। नीरज गौड़ हमारे साथ, गुड मॉर्निंग नीरज। नीरज, 9 दिसंबर की रात को यह सफलता आखिरकार पुलिस की टीम्स को हासिल हुई, जिसमें लगातार जगह जगह दबिश दी जा रही थी, 3 शूटर्स गिरफ्तार। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से पूरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद से दिल्ली पुलिस के साथ में और जो राजस्थान की पुलिस है और राज्य की पुलिस की है वो भी लगातार इन शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई थी। और उसके बाद ये जानकारी है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जो आर के पुरम की टीम है वो जो है जानकारी मिलती है कि नितिन फौजी और इसी के साथ में रोहित राठौर की लोकेशन जो है वो चंडीगढ़ के 22 सेक्टर में मिल रही है। और उसके बाद में पुलिस वहां पहुंचती है और फिर होटल से ही इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जानकारी मिली है कि जो नितिन फौजी है उसे तो राजस्थान की पुलिस अपने साथ लेकर के गई है, जो कि शूटर्स है। और इसी के साथ में बाकी इसमें एक उद्धम नाम का शख्स है और दूसरा जो शख्स है रोहित राठौर, उसे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जो है अपने दफ्तर में लेकर के पहुंची है और उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और इसी के साथ में ये जानकारी मिली है कि इन्होंने हत्या करने के बाद में सबसे पहले ये लोग जो है ट्रेन के जरिए हिसार आते हैं, हिसार से फिर ये लोग जो है बस के जरिए मनाली जाते हैं, वहां पर रुकते हैं और फिर रुकने के बाद में फिर चंडीगढ़ आ जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो लगातार इनका पीछा कर रही थी और फिर जाकर के इनको गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन्होंने किसके इशारे पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। और आखिरकार ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि रोहित कोदारा का एक राइट हैंड है वीरेंद्र चाहन। बड़ी खबर है ये, बड़ी सफलता है। लगातार इस खबर के इंतजार में हर कोई था किस तरीके से हत्याकांड को सरेआम अंजाम दिया गया था जयपुर में। 3 शूटर्स को लेकर तमाम तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं। शुक्रिया आपका। कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे नीरज गौड़ के पास। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ही बता रहे हैं आपको। Z News.